हमारी ये मीटिंग आज है, इसमें कई मैसेज आते हुए हैं जो आपके सामने हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, वो आपके सामने इसको सजात लोन साहब जिनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया है वो आपके सामने वो पेश करेंगे। पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है कि ये जो गुपकार के ये लोग हैं ये एंटी नेशनल हैं, ये पीपल्स अलायंस जो है ये एंटी नेशनल है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये एंटी नेशनल नहीं है, ये एंटी बीजेपी ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कोशिश की है इस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली मिलियामेट करने की, उनने कोशिश की है कि वतन को डिवाइड करने की, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की, जो जिसका हमने देखा है जो पिछले साल 5 अगस्त को उनने किया है, उनने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो तेज़नाश किया है और साथ साथ उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को एक धक्का दिया है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ ये एंटी नेशनल जमात नहीं है। हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जो हकूक़ हैं वो उन्हें वापस मिलने चाहिए। हमारी लड़ाई वहाँ पर है, हमारी लड़ाई इससे ज़्यादा नहीं है। और मैं आपसे बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रोपेगेंडा जम्मू और दूसरे जगह मुल्कों में कर रहे हैं हम लोगों को मज़हब के नाम पे डिवाइड करने की, उनकी ये कोशिश जो है बेकार होगी और फेल होगी। ये मज़हबी लड़ाई नहीं है, ये वतन की तशख़्ुस की लड़ाई है और उस तशख़्ुस को बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे खड़े हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जहाँ हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, 370 को रिवाइवल करने की बात करते हैं, वहाँ हम उन रियासतों के हिस्सों की ऑटोनॉमी की बात भी करते हैं, जम्मू और लद्दाख कि उनको भी जो हमने एक वो बनाया था रीजनल ऑटोनॉमी का जो उनको हमने मिलनी चाहिए। उनको मिलनी चाहिए कि उनको भी ये लगे कि वो बराबर के हिस्सेदार हैं। बाकी जो आज फैसले हुए हैं उनको मैं लोन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बताएं। जो मीटिंग में मेन डिसीजंस हुए, एक स्ट्रक्चर होगा, बाइत्तेफाक़ राय सब पार्टियों ने तय किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस ऑल पीपल्स अलायंस के चेयरमैन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, महबूबा जी वाइस प्रेसिडेंट होंगी और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब जो हैं वो कन्वीनर होंगे। मैं स्पोक्समैन के हैसियत से काम करूंगा और भी कुछ और बाकी स्पोक्स पर्सन और सॉरी हमारे मसूदी साहब जो हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं। और इसमें एक और बता दूं कि सीपीआई की भी आज शमूलियत हुई, वो पहले मीटिंग में नहीं आ सके, थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाया इनके पास, आज इन्होंने भी जो है शिरकत की है और इस स्ट्रक्चर को और भी इंशाल्लाह हम फाल बनाएंगे। दूसरा ये तय पाया गया कि एक डॉक्यूमेंट, वाइट पेपर बोले डॉक्यूमेंट बोले, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा एक महीने के अंदर अंदर, जहां जितनी भी ये गलत फहमियाँ मिसअंडरस्टैंडिंग झूठ बताया जा रहा है वो रियलिटी क्या है और झूठ क्या है वो हम लोगों के सामने पूरे मुल्क के सामने रख देंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। ये जो आप इतनी बड़ी कहानियाँ बोलते हैं कि ये डार्क एजेस में था, यहाँ फलां चीज़ है, हम एक करप्शन था, हम एक कंपैरिजन देंगे, पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर हम रिलीज़ करेंगे, जो विच विल बी ए ट्रिब्यूट टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनको स्लैंडर किया जा रहा पूरे हिंदुस्तान में कि लगता है जैसे सारा ढाका जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने डाला हुआ है, वो सारा जो डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। दो हफ्ते के अंदर अंदर
जो हमारी दूसरी मीटिंग होगी इंशाल्लाह वो जम्मू में होगी, और उसके बाद कन्वेंशन होगा 17th को, कन्वेंशन ऐसे 17th कन्वेंशन होगा 17th को श्रीनगर। तो ये थे जो मेन डिसीजंस थे जो आज लिए। सबसे बड़ी बात जो किया गया कि सिंबल जो सर्च हो रहा था कि भाई सिंबल क्या करें, तो हमने सोचा सब ने मिलकर कि द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन गिव एज अ सिंबल इज टू अडॉप्ट द सिंबल विच जो हमारे सेक्रेटेरिएट पर लहराया जाता था जम्मू कश्मीर का। दैट विल बी द सिंबल ऑफ पीपल्स।